आज मैंने बनाया है ये डोरमैट। ये मैंने लेगी पजामी में से बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरी बहुत ही पुरानी हो गई थी लेगी पजामी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मैंने रबड़ निकाल दी है, हमें इसकी पट्टियाँ कट करनी है लंबी लंबी। तो देखिए मैंने ये लंबा निशान लगाया है 2 इंची का। अब मैं इसे कट कर दूंगी, एक साथ मैं 2 पट्टी कट कर रही हूँ। देखिए तो इस तरीके से हमें पट्टी कट करनी है। तो पहले इन पट्टियों को हम कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये 2-2 इंची की पट्टियाँ कट कर ली हैं। देखो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कपड़ा हम बचा के रखेंगे और इसमें से 4-5 इंची लंबा और 4 इंची ऊंचाई में लेंगे दोनों तरफ से कोनों से नाप के। देखिए मैंने इसमें से 2 पीस कर लिए हैं। अभी इस कपड़े को हम बचा कर रख रहे हैं क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो देखिए मैंने पट्टियाँ भी कट कर ली हैं और तिकोना टिब्बा भी कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो भी आपके पास बेड शीट हो या कोई पुराना पैंट हो, ऐसे सादा पैंट, जींस पैंट, टावल हो, आप किसमें से भी इसकी बेस कट कर कर सकती हैं। इसमें से आपको जितना बड़ा डोरमैट बनाना हो उतनी बड़ी बेस कट कर लेनी चाहिए। इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। चौड़ाई है 17 इंची और इसकी लंबाई है 22 इंची। इसी तरीके से हमें कपड़ा कट करना है। अगर आपको इससे बड़ा कट करना है तो वो भी आप कर सकती हैं और छोटा भी इससे कट कर सकती हैं। इस तरीके से इसे डबल करेंगे। देखो मैंने ये डबल कर लिया, सेंटर पर निशान लगाएंगे। ये सेंटर पे निशान लगा हुआ है। इस कपड़े को हम सीधा ही सिलेंगे इस तरीके से। देखो ये मैंने बीच में रखा है, आपको नाप करके बता देती हूँ, 6 इंची और 6 इंची। देखो ये मैंने कपड़ा अपना बीच में ही रखा है। इसमें पहले हम आरपिन लगाएंगे ताकि टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं हो, एक नीचे की तरफ थोड़ी किनारे से दूर, देखो, और एक इधर की साइड में किनारे से थोड़ी दूर और एक इधर की साइड में। अब इसे अच्छी तरह से डोर मैट के साथ अटैच कर लेंगे, यानी इस पर सिलाई कर लेते हैं। एक बार मैं आपको सिल के भी दिखा रही हूँ। देखो मैंने किनारे पर मशीन लगा ली है। देखिए मैंने ये कली अपनी सिल ली है। अब मैं दूसरा कलर का कपड़ा ले रही हूँ, देखिए इस वाले कलर का। इसे हम इस तरीके से सिलेंगे, धागे को कट करेंगे पहले। देखिए मैंने धागा कट कर लिया है। अब मैं यहाँ से इसके बराबर में ही रखेंगे, इससे दूर नहीं रखेंगे और इसकी सिलाई कर देते हैं। तो देखिए मैंने ये पट्टी यहाँ से और किनारे तक सिल ली है। अब इसे हम कट कर देते हैं, धागे को भी कट करेंगे साथ ही साथ। तो देखिए अब इस पिन को हम यहाँ से निकालेंगे और इसमें लगा देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस वाली पट्टी को यहाँ से रखेंगे। देखिए मैं आपको दूसरी पट्टी लगा के दिखा रही हूँ। इस तरीके की पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे।
ऐसे ही बाकियों पट्टियों को भी सिल लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाई है, आप देख सकती हैं। देखो कितनी सुंदर सी खूबसूरत सी ये डिज़ाइन बनके तैयार हो रही है। तो अभी थोड़ा सा हमारा बाकी है, तो इसी तरीके से हम पट्टियाँ लगाएंगे जैसे कि मैंने आपको ये दिखाई हैं। देखिए मैंने यहाँ तक ये सिलाई कर ली है, देखो एक कोना बचा हुआ है, इसे मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाली पट्टी को लगाएंगे जैसे हमने ये सिलाई की थी वैसे ही, फिर ये वाली पट्टी लगाएंगे। फिर मैंने आपसे बोला था कि इस तरीके का एक और कट करना है, तो इस तरीके का एक कट करके फिर वहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर। तो ये डोरमेट सिल के तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद में इसकी किनारियों को सेट करेंगे। तो देखिए मैंने ये पट्टी लगा ली है, यानी ये पट्टियाँ इसके तरह सिल ली है। अब क्या करेंगे, जो पट्टी किनारी से बाहर निकल रही है उसे कट कर देंगे। देखिए मैंने ये कट कर लिया है, अब इधर की साइड से कट करेंगे। देखो अब क्या करेंगे, अब इसके किनारी के लिए पट्टी कट करेंगे। उससे पहले हम एक डोरमेट के, इस डोरमेट के लिए एक बेड शीट का कपड़ा एक और कट करेंगे ताकि अच्छा सा गुदगुदा सा ये हो जाए। तो पहले कपड़ा कट कर लेते हैं और पट्टियाँ भी कट कर लेते हैं। तो देखिए किनारी सेट करने के लिए मैंने ये 2.5 इंची की ये पट्टियाँ कट की हैं। देखो अब इसके क्या करेंगे, इस पट्टी को हम डबल करेंगे इस तरीके से। पट्टी को डबल करके डोरमैट को उल्टा करेंगे। देखिए उससे पहले मैं एक बात आपको और बता देती हूँ कि मैंने डबल बेड का कपड़ा ये लगा दिया है और इस पे कलियों पे ये पट्टियों पे भी मैंने सिलाई कर दी है, उसके ऊपर भी। अब मैं आपको देखो कितना अच्छा हो गया ये गुदगुदा सा। अब इस तरीके से पट्टी को लगाएंगे उल्टी तरफ से यहाँ पे। ये मैंने डबल पट्टी की है और इस तरीके से इसे लगाना है। और देखिए यहाँ पे इसमें ऐसे डबल करेंगे पहले, ये डबल करके फिर इसे, मैं आपको डबल करके बताती हूँ, यानी डबल करके इस पर लगा कर सिलाई कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको फिर बताऊंगी। तो देखिए मैंने ये उल्टी तरफ से डबल पट्टी रख ली है। अब क्या करेंगे, अब इसे सीधा करेंगे और सीधा करके पट्टी को इस तरीके से दबाते जाएंगे, यानी एक सिलाई और लगाएंगे इस पर। तो वो भी लगा लेते हैं पहले। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये पूरी पट्टियाँ लगा ली हैं, देखो। और ये मेरा डोरमैट कितना सुंदर सा प्यारा सा मार्केट जैसा बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।